पंजाब विच ही नहीं सगो पूरे देश भर दे विच साइबर ठगी दे मामले लगातार बढ़ते जा रहे ने। जेकर आंकड़िया की गल की जाए तो कल्ले लुधियाना विच ही बीते 3 महीनों अंदर 400 के करीब ठगी के मामले सामने आ चुके ने ते इना विच दिन प्रतिदिन इजाफा होंदा जा रहा। साइबर ठगां वल्लों नवे नवे ढंग दे नाल लोकां नूं ठगी दा शिकार बनाया जांदा है, जिस विच भोले भाले लोग आके अपनी मेहनत दी कमाई गवा रहे ने। इन्हां ते ठल पाउण लई लगातार कोशिशां कीतियां जा रहियां ने, पर हर बार नवे ढंग दे नाल साइबर ठगी दे तरीके किसे ना किसे नूं अपने जाल दे विच लै लैंदे ने, भावे ओह कोई अनपढ़ होवे जां फिर कोई पढ़िया लिखिया। अजकल सारे ही साइबर ठगी दा शिकार हो रहे ने। लुधियाना दे विच साइबर ठगी दा शिकार हुए पीड़ित ने दस्या कि कुछ दिन पहला उसनू एक फोन आया सी अते उसदे क्रेडिट कार्ड दी लिमिट वधाउण लई उसदी कार्ड दी बैंक कंपनी वल्लों फोन कीता गया, जिस तों बाद उसने सारी डिटेल उन्हां नाल सांझी कीती अते फिर उसदे खाते चो 1,17,000 रुपए दी करीब ठगी वज गई। अते होर इस ते पीड़ित दा की कहना सी एक बार तुसीं वी सुणो। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीते हैं हम। फिर कॉल आई, उस तो बाद मेरा फोन हैंग हो गया। फोन जो हैंग हो, उस तो बाद सीधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिविलियन चले गया। उसे कार्ड जो ब्लॉक कराया, ब्लॉक कराने पल्ले पल्ले मेरा 1,18,000 मेरा फ्रॉड हो चुका है जी। उस तो मैं कार्ड ब्लॉक कराया, उस 15 मिनट बाद मैं साइबर क्राइम चाह रिपोर्ट कराई 29/8 न। उस तो अज तक मैं कोई इंसाफ नहीं मिले, ना मेरे को लैस हो रहा। स्टेट बैंक वाले मैं प्रैशर पा रहे हैं, विद इंट्रस्ट पेमेंट मांग रहे हैं मैं जी। मैं नहीं, पैसे कोई वापस नहीं आए जी। मैं हम पुलिस स्टेशन आया से, वो कहते तो कुछ नहीं हो सकते, तो पैसे तुम्हें भरने पैने हैं। मैं साइबर क्राइम से गेड़े ला चुके हैं, उधर मैं स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड वाले पेमेंट का बारे मेल पा चुका, लेकिन कोई मेरा इतने मन नहीं रहा जी। 3-4 महीने हाँ जी, जवाब कुछ नहीं जवाब मिले जी। मैं कल फोन आया इन्होंने, कहते इतने थाने आओ, हूँ भी आए कहते तो थोड़ा पैसे भरने पैने, बंदे फड़े नहीं जाते जी। ये सारे आई डी वगैरह सारे नकली होंगे, बंदे कोई नहीं फड़े जाते जी। पर तुसी किन्ने घंटे च जिहड़ी आ कंप्लीट करती सी इस चीज दी? 1 घंटे दे विच विच जी। पर ओह तां कहिंदे वी 24 घंटे च जे कर दो पैसे वापस आ जाए? नहीं सर, ना मेरा कुछ नहीं होया जी। मैं अज तक घूम रहा है, मेरा कुछ नहीं होया जी। 1,35,000 उधर मन्ना प्रैशर पा ने स्टेट बैंक वाले कि सर कितने कितने कंप्लेंट कीती सी तुसी इस चीज नूं लैके? बस मैं सर बैंक भी कीती सी, साइबर क्राइम भी आके कीती। उस टाइम मैं 15-20 मिनट के स्टेट बैंक सिविलियन चले गया सीगा मिस्टर भंडारी को, उत्थे ब्लॉक कराया, उन्हें कंप्लेंट करती, उस तों सीधा मैं उत्थे आ गया साइबर क्राइम। की इंसाफ मांग रहे हो? सर मेरा बंदे फड़े जान, मेरा पैसे उन्होंने रिकवरी किया जाए जी, क्योंकि एड्डी वड्डी अमाउंट मैं नहीं भर सकता जी। सर मेरे बैठे 5-6 बंदे होर आ चुके, कहता 70,000 कहता 40,000 फ्रॉड हो चुका जी। एक बंदा मिस्टर रजनीश सीगा, हुणे वह भी आके गया बस्ती जोधेवाल तो, लेकिन कोई फायदा नहीं हैगा आंदा जी। सानू यही कहा जाता पैसे थोड़ा भरने पैने जी, कोई बंदे फड़े नहीं जाते जी। एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। I heads the admission, legal and facilities for a company. As a cyber crime? Cyber crime, legal सब उसी में काउंट करते हैं सर, IT में। सर आप एक हमें बता सकते हैं कि साइबर क्राइम में आजकल किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है सर, और इसमें कितनी कंप्लेंट्स रोजाना आती हैं, और खासतौर पर बात की जाए तो नॉर्दर्न इंडिया में कितनी? सर अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न इंडिया में, इट्स इन थाउजेंड्स पर डे। ये तो वो है जो रजिस्टर्ड हो जाती हैं, जो छोटे मोटे होते हैं जैसे किसी के 1,500-2,000 का जो फ्रॉड होता है वो तो कभी रजिस्टर्ड होता ही नहीं है। तो मोटी बात करूं तो हज़ारों लाखों में हैं रोज़ कंप्लेंट्स, बहुत ज़्यादा बड़ा है कोरोना के बाद से, बिकॉज अब तो इतना हो गया इंडिया के अंदर ही अब बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। इवन आपका भरतपुर राजस्थान वगैरह में यही लोग बैठे हैं पूरे के पूरे साइड। अभी आप आए थे अभी क्या? नहीं आपने यहाँ पर पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में कितना आप देख पा रहे हैं डाटा? सर पंजाब में ट्रस्ट में साइबर क्राइम जैसी टीम जैसी यहाँ पर बैठी है, दे आर फैंटेस्टिक पीपल, दे हेल्प आउट। जो नॉर्मल मैंने देखा जो 4-5 दिन से आ रहा हूँ वो काफ़ी हैं, लेकिन कंप्लेंट्स काफ़ी हैं। अगर मैं नंबर्स में काउंट नहीं कर पाऊँगा, लेट्स से 4,500 कंप्लेंट तो होती होंगी इनके पास डेली। आई एम जस्ट गिविंग ए नंबर। अच्छा सर एक चीज़ और, लोगों के जो पेमेंट्स रहती है, क्योंकि लोग कहता है और कानून कहता है कहीं ना कहीं कि 24 घंटे के अंदर आप कंप्लेंट करते हो तो आपके पैसे भी आपको वापस मिलते हैं, और कहीं ना कहीं चोर को पकड़ना भी आसान रहता है। करेक्ट, वो उसकी समय सर देखिए, RBI कहता है कि अगर आप 24 घंटे में यू डिनाई दैट जो भी आप ट्रांजेक्शन आपने किया, अगर आप उसको डिनाई कर देते हो तो वो उस ट्रांजेक्शन को फ्रीज कर सकते हैं कि वो उस बैंक में बनी रहे। उसके बाद उसका एक प्रोसेस है, पूरा लंबी लेंदी प्रोसेस है। इंडिया में इट विल टेक 2-3 महीने टू कवर दैट अप, बिकॉज आपको फिर साइबर क्राइम में जाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, सब कुछ हो जाता है, टाइम बहुत लगता है उसमें, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट। RBI का गाइडलाइंस है उस पर कि आप 24 घंटे में डिनाई करो, दे विल फ्रीज दैट अकाउंट।
बट जितने भी ये फ्रॉड्स हैं ये मुश्किल से आधे घंटे के अंदर सारी रकम इधर उधर कर देते हैं। सर, इन चोरों को पकड़ा जा सकता है 100%? आप, मैं जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 100% पकड़ा जा सकता है। डी दे रिपीटिंग ऑन दिस। लोगों को क्या सर, लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? सर, अभी अगर मैं बात करूँ, आपने मेजर स्टेप ले लिए हैं, गवर्नमेंट ने आपके ले लिया, ई पेमेंट्स ले लिया है, ऑनलाइन कर लिया है। यू नीड टू एजुकेट पीपल, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक 55 साल की उम्र में, 44 साल की उम्र में किसी को मोबाइल दे रहे हो और उससे बोल रहे हो कि ई ट्रांजैक्शन कर ले, उसको उसके खतरे समझाने पड़ेंगे। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। फेसबुक देखोगे, सोशल मीडिया सेल देखोगे अपने रोहित, उत्थे असीं डेली किवें सेफ्टी करनी सैमीनार। ईवन मैं पिछे जिहे इस तरह असीं क्लिप्स वी बणा के सैमीनार इदां लांदे हो? हां हां, बहुत वेरी गुड नंबर। ते बुलांदे नहीं फिर मीडिया नूं? ओही अदारा ही कदी बुला लैंदा नंबर। सैमीनार मैं ही करो सर, मैं ही करदा। आपां लोकां दी बजट लवांगे वी तुसीं की सिख्या साइबर क्राइम किद्दां तुसीं लोक अपने को सीगी मेरी इक पाई हुई पिछे। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੰਥ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ID ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਫੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਰੋਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ 400 ਦੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4800 ਕੇਸ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਦੇ ਆਏ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਦੇ ਵਿਦਇਨ 24 ਆਵਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਦਵਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ
मामले बिल्कुल बिल्कुल ये आउट ऑफ स्टेट तो ठगिया के ज़्यादा मामले होंगे और विदेश तो भी जो कोई ठगी करता इन प्रोसैस जो पैसा पिया होंगे तो आर बी आई जो है ये कनैक्टड है जिमें असी रिपोर्ट करते हैं आर बी आई फरदर कनैक्ट करता और जो पाइपलाइन पैसा पिया वो असी वापस करवा लें। अच्छा जी विदेशी कॉल आती है साइबर क्राइम टैक्निकली मैं ये नहीं कहता कि तुम उस चीज़ में वो थोड़ा जहा लोग भी अवेयर होना भी तुम मैसेज देना वो जी विदेशी कॉल आती है वो लोग बचन कि साइबर किमें पहुँचता उन्होंने तक राइट पुलिस का काम है सब तो पहला प्रिवेंशन और फिर डिटेक्शन सो साडा प्रिवेंशन ते ज़्यादा जोर रहेगा क्योंकि साइबर क्राइम जिहड़ा हैगा उहदे विच जिहड़ा जे हर व्यक्ति जिहड़ा हैगा इस चीज़ तो जाणू होए कि कितना उहदे नाल फ्रॉड हो सकता है फिर उहतों बच सकता है सो लोगों नूं इह तों अवेयर होण दी जरूरत है। बहुत सारिया कॉल्स जिहड़ियां सानूं आउंदियां जिहदे विच सानूं रिश्तेदार दा फोन दा बैंक दा अकाउंट दा कट होण दा इहनां नूं बहुत सौखा तरीका है कि असीं उहतों बच सकीए असीं उहनूं क्रॉस चैक करिए जदों साडे कोल कोई कॉल आउंदी है फिर फरदर असीं अपने रिश्तेदार नाल कंटैक्ट करन दी कोशिश करिए भी होया की हैगा उहदे नाल घटना किस तरह की हुई अगर किसी बैंक तो कॉल आउंदी बैंक वाले कॉल करते ही नहीं है बैंक वाले कोई लिंक भेजते ही नहीं है ये चीज़ों को असी क्रॉस चैक करिए अकाउंट किहदा है अकाउंट किहदे खाते पैसे जा रहे अकाउंट का ओनर कौन है अगर असी थोड़ा जहा भी क्रॉस चैक करिए तो साडे नाल कोई जिहड़ी दुर्घटना इस तरह की ठग नहीं कर सकते पर असी जदों उस ठग की आई हुई कॉल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं ये तीन ही तरीके है या तो वह बंदा थानू लालच देगा कोई थोड़ी लॉटरी निकली है कुछ दूजा होया या थानू थ्रेट करेगा कि थोड़ा ये चीज़ नुकसान होने वाला है या थानू किसी लालच पैसे पाने का कहेगा कि मैं थानू पैसे पा रहा या थानू इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है कि थोड़ा रिश्तेदार फस गया थोड़ा आ हो गया थोड़े नाल आ हो गया सो थोड़े नाल रिश्तेदार के कंटैक्ट होंगे वो फरदर जिवें मेरे को एक केस आया कि वो भाणजे ने फोन किया सो जे भाणजे के आप होर जो इतने रिश्तेदार होंगे उन्होंने गल करिए कि इस तरह की कोई घटना वो हुई है तो असं बच सकते हैं सो ये इलाज नालों परहेज चंगा सो सानू परहेज बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत है जदों भी असीं ऑनलाइन हुंदे आ तो इनू बड़ा सेंसीवली फोन जिहड़ा हैगा इनू बड़ा सेंसीवली यूज़ करने की जरूरत है इहदियां सेंसेस साडियां ओपन होनियां चाहीदियां तद जिहड़ा फोन नूं असीं इस्तेमाल करिए। सवाल उही है जिहड़ा वो नंबर आता फिर साइबर क्राइम उस नंबर नूं किवें लभदा बाहर कनेडा दे विच बैठा बंदा कोई डेफिनेटली असीं जिहड़े जिहड़े कंपनी चाहे वह वट्सएप का है चाहे फेसबुक का है चाहे इंस्टाग्राम का है इन्हां कंपनीज़ नाल कंटैक्ट करते हैं उन्हां कोलों वह डाटा लैके फिर असीं क्रिमिनल तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ओके अच्छा जिहड़ा तुसीं 1.5 करोड़ की कैश की गल की है ये कैश तुसीं क्या वापस दवाया टोटल अगर 5000 केस है तो सोल्व किन्ने हुए केस ये बहुत सारे केस जो इमीजिएट रिपोर्ट होंगे वो तो सॉल्व हो जाते जिहड़े कैश बेटर आंदा हुण हफ्ते बाद 10 दिन बाद कोई बंदा थानू आके रिपोर्ट कर लिया फिर मुश्किल होंगे फिर असी क्रिमिनल तक जी पहुँच करने की कोशिश करते ताकि वो खिलाफ़ FIR लॉज कर सके। मैं अगर 5000 दे विचों अगर ब्रीफ करना हो किन्ने केस करा भी तुसीं सॉल्व कर लें नहीं ये सॉल्व का मैं थोड़ा जरा दसिया कि सॉल्व की जिते परचा दर्ज करने वाली होंगी उत्थे परचा दर्ज करके असी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिते भी कोई जिहड़ा हैगा कंप्लेनेंट चाहता कि मैं FIR दर्ज करानी है जितों तक पैसे वापस कराने का वो हैगा जे इमीजिएट साडे को रिपोर्ट हो जाता तो असं परस्यू करके वो बहुत सारे केस है जे 1 करोड़ की गल करिए तो ये 1,50,000 2,00,000 6,00,000 हुण इमीजिएटली असी 6,90,000 रुपया एक वापस करवाया सो ये रेशो साडे को 10% रही केसा की जिन्हें असी पैसे वापस करवा पाने। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।